पवन पुत्र हनुमान जी को चिरंजीवी रहने और धरती पर मनुष्य जाति की रक्षा का वरदान मिला था। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी कलयुग में जीवित हैं और धरती पर ही मौजूद हैं। भगवान राम और माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था, जिस कारण से वो आज भी चिरंजीवी हैं। मान्यता है कि कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर एक खास जगह है जहां हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। कई ग्रंथों और पुराणों में हनुमान जी के इस निवास स्थल का उल्लेख भी मिलता है। पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव हिमवंत पर्वत पार करकर गंधमादन पर्वत पहुँचे। उसी स्थान पर भीम को हनुमान जी के दर्शन भी हुए थे। गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर की दिशा में स्थित है। इस पर्वत पर महर्षि कश्यप ने भी तपस्या की थी। इस पर्वत पर गंधर्व, किन्नरों, अप्सराओं और सिद्ध ऋषियों का निवास है। इस पर्वत के शिखर पर किसी वाहन से पहुंचना असंभव माना जाता है। गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर है। ये पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाके में पड़ता है। उसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी मौजूद है, जहां से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।